होगा इस वीडियो की ज्यादा हाइप नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि तुमने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा, तो ऐसे क्या फेक हाइप क्रिएट करूं मैं। सो आज हमारे साथ हैं वन एंड ओनली रूही राय। हेलो बेस्टी। हाय बेस्टी। ये दो दिन से हम ये प्रिपेयर कर रहे थे इंट्रोडक्शन। मुझे इंट्रोडक्शन नहीं मिल रहा, फिर सबने कहा कि भाई हाय बेस्टी बोल देना। पहली चीज तो रूही, तुम्हारा नाम प्रोनाउंस कैसे होता है? इट्स राही, बट कोई राही नहीं बोलता, तो रूही ओनली। हम तो रूही बोलते हैं। रूही तो मेरा नाम ही चेंज कर दिया, सब कर देते हैं, बड़ी बात नहीं है, बट राही वैसे राही बोलते हैं। रूही वैसे घर का रेंट तो तुम बेकार में ही दे रही हो, क्योंकि रहती हो तो तुम पूरे दिन स्नैपचैट पे ही हो। और आज मैं तुम्हें एक सेल्फी कैमरा भी गिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि लड़कों की सिर्फ यही कंप्लेन है कि रूही हमेशा जिम में पीछे से ही वीडियोस बनाती है। और मैं देखा भी आज पूरे दिन स्नैपचैट पे सारी वीडियोस पीछे की थी। सो ट्रू। ऐसा क्यों है? क्लिकबेट? क्योंकि नहीं, इट्स नॉट अ क्लिकबेट, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे ये बैक मसल, क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे, इसलिए। नहीं, उसकी तो फोटो तुम एक बार हाईलाइट में लगा दो। एसपी बहुत अच्छे हैं। उसकी तो फोटो एक बार ही तुम हाईलाइट में लगा दो तो वो दिखती रहेगी। नहीं, मैं दिखाती हूँ, मेरे मसल्स इतनी मेहनत करूंगी, दिखाऊंगी नहीं। तो मेरे लेग्स ज्यादा अच्छे, इसलिए लेग्स को शो कर दियो। अंकित बैयनपुरिया की तरह कर दो ना डेली 75 हार्ट डे अपना, उसके साथ रोज की सेल्फी डाल लो। अगर तुम्हें वो करना हो 75 हार्ट डे चैलेंज, और उसमें लास्ट में एक चीज है, मतलब उस चैलेंज का पार्ट है कि आपको कोई ना कोई रिलीजियस किताब पढ़नी होती है, तुम कौन सी पढ़ोगी? रिलीजियस किताब? वेरी बैड इन बुक्स, नो आईडिया। कुछ तो बोल दो, आज अभी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ओह माय गॉड, मैं नहीं बोल सकती, मुझे आईडिया ही नहीं है बुक्स का। मैं सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आई विल मेक यू प्योर सनातनी। ओके, ठीक है, सनातनी नेक्स्ट टाइम। मैं एक गिफ्ट भी लेके आया हूँ आज तुम्हारे लिए ना। ओह गॉड, ये शुगर। क्योंकि मैंने कई बार देखा है तुम शुगर डैडी मांगती हो। डैडी तो मेरे घर पे हैं, यहाँ पे सिर्फ शुगर ही दे सकता हूँ मैं तुमको। थैंक यू सो मच। ठीक है, छोटा सा शुगर डैडी। ठीक है। रूही, जब भी मैं तुम्हारी स्नैपचैट स्टोरीज देखता हूँ ना, मेरे को फोन की ब्राइटनेस कम करनी पड़ती है। क्यों? उसमें फिल्टर ही इतने होते हैं। मैं भी जब तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ ना, पूरी वीडियोस देखती हूँ। अच्छा, म्यूट करके। मेरा चेहरा इतना सुंदर है, वो म्यूट पे भी अच्छा लगता होगा। मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ यार, तुम बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हो, बस अपलोड मत किया करो। तुम भी अपनी वीडियो अपलोड किया करो, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, बट नेट ऑफ करके, वाईफाई से। मैं तो सारे कमबैक ले रहा था। ये सही था। अभी वीडियो से जस्ट पहले ही रोही मेरे से कुछ बात कर रही थी स्नैपचैट की, तो मैंने कहा रुको, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो वही आंसर करना है। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम स्नैपचैट? स्किप। मतलब फिर भी ऐसे किसी थर्ड चीज के एग्जांपल पे कि मैं इतना ये कर सकती हूँ, वो कर सकती यार, मैं पता है सच बता दूँ, मैंने आज तक ना कभी इनकम पे फोकस नहीं किया, और स्नैपचैट पे ऐसे नहीं होता कि आपको पर डे का आता है, तो मैंने कभी ऐसे कैलकुलेट नहीं करा कि मैं कितना कमाती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी पैसों पे ध्यान नहीं दिया, मेरा हमेशा फोकस चीज़ों पे होता है कि मुझे आगे बढ़ना है यार, ऐसे करना है, फेम पे होता है, उस पर नहीं होता। बट फिर भी मतलब पहले ज्यादा आते थे सच बता दूं तो। अच्छा, भी कम कर रहे हैं स्नैपचैट वाले? कम कर रहे हैं, बट हाँ पहले तो बहुत कमाया है। कोई नहीं, मेरी डील करा दो। और अगर तुम जैसे ऐसे पैसों पे ध्यान नहीं देती अपने बैंक अकाउंट पे, तो मुझे अपना सीए बना लो प्लीज। मैंने बहुत टैक्स पे करा है। इस चीज से दूर रहूंगी मैं। एक और काफी बड़ा रूमर है और कंफ्यूजन भी इस चीज को लेके, तुम्हारी एज को लेके। सो एग्जैक्टली क्या है? बस 15 साल की हूं। नहीं, इसके नीचे किसी ने लिखा हुआ है आधार कार्ड चेक कर लेना। आधार कार्ड? नहीं, मैं 15 साल की हूँ। कितनी की लगती हूँ, चलो ये बताओ कितनी की लगती हूँ? मेरे को तो अपनी एज की लगती हो, 18। हाँ बस उतनी हूँ। उतनी हूँ मैं। एक और है जो ज्यादातर लोग कमेंट भी करते हैं, ये तुम्हारे कमेंट सेक्शन से उठाया हुआ हमने। क्या तुम्हारी मोम फॉलो करती है तुम्हारा कंटेंट, और उनका रिएक्शन जब भी कोई कंट्रोवर्सी या रोस्ट होता है? मेरी मम्मा इंस्टाग्राम पे नहीं है, यूट्यूब पे है वो, ठीक है, और वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। कोई भी मेरे बारे में उल्टा बोलता है तो वो नहीं सुनती है, वो देखती ही नहीं है, वो कभी उस चीज़ पे फोकस नहीं करती। इवन वो मेरे पास आती है, कहती है कि छोड़ दे ये लोग फालतू बोल रहे हैं, तू जो कर रही है वो कर। शी इज लाइक दैट, वेरी सपोर्टिव, शी इज वेरी सपोर्टिव। अगर तुम्हें एक दिन के लिए लक्ष्य चौधरी बनने का चांस मिले, सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू गोना डू? फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू, आई वांट टू रोस्ट समवन। चलो पूरे दिन क्या करोगे तुम, रोस्ट तो बना दे उसके बाद। और हाँ, मैं आई थिंक सबसे, तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं उन सबसे बात करूंगी, तुम्हारे बारे में पूछूंगी, तुम्हारे बारे में चीजें निकालूंगी। सारे फॉलोअर गए फॉलो रूही राय ऑन स्नैपचैट। या ये तो जरूर। कल से तो वहीं से ही इनकम आनी है। योर बेस्ट पिकअप लाइन फॉर अ बॉय? गंदी वाली मार दो। पूरी पूरी गंदी, मतलब जितनी हो सकती हो, जिससे कि इसके शॉर्ट्स बन के वायरल हो जाएं।
गंदी वाली यार ऐसे नहीं, पिकअप लाइन यार मैं पिकअप लाइन नहीं मारती, गंदी वाली मारती हूँ पहले, ठीक है? सबसे चीजी वाली बता दो। वैसे कभी मारी नहीं है ये मैंने। हाँ मतलब अब मारनी है, मतलब ऐसा हो गया अकाल पड़ गया लड़कों का तो अब स्टैंड आउट। ये तो बहुत गंदी वाला हो गया ना, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट। ओके वैसे मैं कभी भी किसी लड़के से मुझे बात करनी होगी ना तो मैं उसमें कुछ नोटिस करके उसको कॉम्प्लीमेंट दे देती हूँ। मतलब चलो वो लड़का ये रचित, रुकना ये रचित है वो लड़का, इसमें कुछ नोटिस करके कॉम्प्लीमेंट देना है। आई लाइक योर शर्ट, तो मैं उसको जाके बोल दूंगी कि आई लाइक योर शर्ट। कहाँ से ली थी रचित? हाँ फिर यही पूछूंगी कहाँ से ली थी। चोर बाजार से, बहुत अच्छा कलेक्शन लाते हो तुम। आर यू ऑन टिंडर और बंबल? स्किप। नहीं ये तो मेरे पास प्रूफ है इसका। एक सेकंड, एक प्रूफ। किसी ने मुझे भेजा था बहुत पहले। ओह गॉड, तो मैं एक तो पहली बात मैं सारी डेटिंग ऐप से बैन हूँ। मैं बता रही हूँ मैं बैन हूँ, पता नहीं लोग रिपोर्ट कर देते हैं मैं बैन हूँ सारी डेटिंग ऐप से। तो वो करो ना, वो जो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद भी बैन हूँ मैं। वो ज्यादा रिक्वेस्ट आती होगी ना तो डेटिंग ऐप को लगता होगा कि आज ही धंधा खत्म हो जाएगा सारे लड़के। पता नहीं, हाँ पर शायद से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट मेरे को एक चीज देखनी है। स्क्रीन टाइम फोन में चेक किया है कभी? नहीं कभी। हाँ, उसमें देखना है कि सबसे ज्यादा ऐप कौन सी चला रही है। वैसे स्नैपचैट ही होगा मेरा गेस। हाँ, स्नैपचैट ही है। मत देखो, मैं बता रही हूँ स्नैपचैट ही है। भाई ये इतना भारी है, टिक जाता है पीछे से फोन सही से। आज के दिन अभी तक 7 घंटे 40 मिनट फोन चल चुका, जबकि मुझे उठे हुए अभी 2 ही घंटे हुए हैं। सच में? और स्नैपचैट चल चुका 4 घंटे, आई मूवी 45 मिनट। तो मतलब सारा काम क्रिएटर वाला है, आई मूवी पे एडिट किया, स्नैपचैट पे डाला। और अगर हम कल का देखें, एवरेज 10 घंटे। यार मैं 10 घंटे फोन यूज करती हूँ। सोती कितनी देर हो? यार मैं 8 घंटे सोती हूँ। 24 में से 8 घंटे सो गए, बचे 16 घंटे, 16 में से 10 फोन चला लिया, खाना पीना भी है, बेसिक टास्क भी पूरे करने हैं, और जिम भी जा रही हो तुम। कितना कितनी देर जाती हो? 2 घंटे जिम। 2 घंटे जिम हो गए। ये तो जीवन के लिए सिर्फ 4 ही घंटे बचे हैं, उसमें से भी मैं बता रहा हूँ ना काफी सारे टास्क ऐसे हैं जो करने हैं, तो 1-8 घंटा ही बचा है। तुम्हारा क्या स्क्रीन टाइम है? मेरा फोन देना भाई। सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो तुम? मैं मुझे भी देखना है कि क्या होगा। वैसे ही मुझे अपने व्लॉग पे करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम हमारे लिए कर रहे हो आज। हाँ ये बड़ा वो है कि तुम सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम किस पे होगा, यूट्यूब के अलावा? या यूट्यूब नहीं, मेरा डेली एवरेज है 4 घंटे बस। वाओ। और मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ 2 घंटे डेली। इंस्टाग्राम 40 मिनट और ट्विटर 40 मिनट, दोनों ही 40-40 मिनट। इसका मतलब मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिम जाके डेली वीडियो नहीं बनानी होती ना। स्नैप्स, मैं स्नैप बनाने के लिए नहीं जाती हूँ, वो तो बनानी पड़ती है। हाँ वही है, जिम की फीस कहाँ से भरनी। सही बात है। अगर तुम्हें एक रोस्ट बनाना हो तो किस पे बनाओगी? मैं सारे हेटर्स पे ही बनाऊंगी वैसे। नहीं मतलब ऐसे कोई एक एक आध कोई क्रिएटर ऐसा लगता होगा यार इसको पेल दूंगी पकड़ के। उसके सारे सपोर्टर आके मुझे पेल लेंगे तो मैं उसका नाम नहीं लेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं आएंगे। कोई नहीं, मेरी मेरी वीडियो से मत घबराओ, बहुत हो चुके पंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसे किसको रोस्ट करूंगी? मेरे किसी दोस्त का नाम ले लो तो सेफ हो जाओगी तुम, वैसे भी वो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मेरी वीडियो में बोला आगे। नहीं मैं सच में बताऊं तो किसी को रोस्ट नहीं करूंगी, आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं किसी को रोस्ट करूं। हिंदी में 79 और 89 को क्या बोलते हैं? ओ फक 79 को। अच्छा सब सोच रहे हैं पीछे खड़े हुए अभी, इस किसी पे नहीं आ रहा। एक मुझे सिर्फ विकांशु से है उम्मीद कि उसको पता होगा। 69। ठीक है गलत है। गलत 69 को बोलते हैं। ओ सॉरी, फेवरेट पोजीशन बता दी मेरी। और क्या बताता और दूसरा नंबर? 79 और 89। नहीं 89 तक तो नहीं पहुंच सकते फिर मैं। 79 और 89। मैं तो सुना भी नहीं 89 कभी। 79 सुना, 89 नहीं सुना। हिंदी में आती है पूरी काउंटिंग? नहीं। और टेबल कहाँ तक आती है? ये जिनको 13 की टेबल आती है वो आज कॉल सेंटर पे जॉब कर रहे हैं। वन वर्ड फॉर रोस्टर्स। अरे माँ की गाली क्यों दे रही है? गेट अ जॉब। कल ही जा रहा हूँ भाई बीपीओ का इंटरव्यू देने। ठीक है, मैं तो रोस्टर नहीं हूँ, लगता है तुम्हें मैं रोस्टर हूँ? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी वीडियोस नहीं देखती हूँ। मैंने एक बहुत किसी भी रोस्टर की वीडियो नहीं देखती, सॉरी। एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी एक स्नैपचैट इन्फ्लुएंसर के ऊपर। अच्छा देखी थी वो? नहीं देखी, अभी लाइव चलाएंगे यहाँ पे। ठीक है ओके। इंस्टा या स्नैप? स्नैप। मोस्ट ओवररेटेड इंडियन इन्फ्लुएंसर? मोस्ट ओवररेटेड इंडियन इन्फ्लुएंसर? तुम मेरे मुंह से किसी का नाम निकलवाना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता। स्किप। गोल्ड डिगिंग या हार्डवर्क? हार्डवर्क। लड़के पटाने में? नहीं, काम में। बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज। एक साहिल नारंग तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। लक्ष्य या थकेश? लक्ष्य।
शायद तुमने थगेश के ऊपर ही कुछ बोला था। हाँ। ओके, लक्ष्य है एलविश। लक्ष्य लक्ष्य है ट्रिगर्ड इंसान। लक्ष्य लक्ष्य है साहिल नारंग। साहिल नारंग। चूज वन, लॉयल हैंडसम केयरिंग रिच बॉयफ्रेंड बट नो स्नैपचैट, दूसरे वाला है स्नैपचैट बट डिसलॉयल बॉयफ्रेंड। फर्स्ट वन, मुझे तो चाहिए ही नहीं बंदा सोशल मीडिया पे हो। अनलिमिटेड क्लबिंग एंड ट्रैवल बट सेम आउटफिट एवरी डे, एंड द सेकंड ऑप्शन इज अनलिमिटेड चॉइस ऑफ आउटफिट्स बट नो क्लबिंग एंड ट्रैवल। अनलिमिटेड ऑफ चॉइसेस क्लोथ्स एवरी टाइम घर पे। हाँ, वीडियोस बन जाएगी अपनी और क्या चाहिए। सो जो नेक्स्ट राउंड है वो है नेवर हैव आई एवर, और इसमें कार्ड्स लेके तुम्हारी पोल पट्टी ना खोले। तुम भी हो ना इसमें। चलो एक एक कर लेते हैं, ठीक है? दोनों है, कोई भी कार्ड पिक करेगा, ये दोनों के ऊपर है, दोनों को आंसर करना है उसके लिए। ओके, नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड टू लाइक समवन जस्ट टू गेट वर्क डन। ओह यस, बहुत बार। बहुत बार नहीं, कम बार। हाँ, किया है। तुमने? हमेशा। नहीं, दो तीन दिन यार, जब कभी बाहर ट्रेवल करते तो मैं सोचता हूँ यार क्यों गीला करना है इसको। तो तुम दूसरे पेयर लेके नहीं जाते? दूसरा जाता हूँ, फिर मेरे को लगता है कि इसको बैग में डालूंगा दूसरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसीलिए मैं पन्नी लेके जाने लगा उसके लिए। Never have ever made out with someone that the same day I met them. I have. विगांशु क्या कह रहा है भाई, कुछ चांस है मेरा भी? Never have ever peed in a bottle. Never. I tried but नहीं हुआ मुझसे। मैंने किया था एक बार, मैं बस में ट्रेवल कर रहा था और वो एसी बस थी तो वो रोक नहीं रहे थे, तो तब फिर तुमने उस बॉटल का क्या किया? फेंक दी और क्या, उसका सोडे की तरह उसका वो बनाता हूँ कॉकटेल। Never have I ever regretted helping someone. Yes. ये तो सबका ही big yes हो गया यार। Yes. Never have I ever stolen cigarettes या alcohol. I don't drink, I don't smoke. तो तुमने किया? नहीं, मैं भी नहीं करता यार। तुम नहीं करते हो? नहीं। फिर क्या करते हो तुम? मैं प्यार करता हूँ। लगता तो नहीं है तुम्हारे YouTube वीडियो से कि तुम प्यार करते हो। Never have I ever been satisfied after a haircut. I have been all the time. I like, मुझे तो मैं अपने हिसाब से करवाती हूँ। I think लड़कों के लिए जैसे। ओके, ये वाइल्ड कार्ड क्या है यार, ये भी पढ़ लेते हैं, इन्हें फेंकने से कभी एलविश यादव आ जाए। पहले तुम्हारा यहाँ पे एक सीरियल हेटर है, वो जो जिसके अभी जस्ट पैर दिखे हैं, हर्ष ढाका। तो लेने आया था। वो जो तुम्हें अभी लेने गया क्यों? था क्या? अभी दिखाएंगे, दिखाओ भाई हर्ष ढाका ने क्या किया था। बेस्टीज, तो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे है, पर ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि मेरा बूढ़ा बाबा आज टेरक गया है। ए बुड्ढे उठ उठ, लमाऊ डेड। आज दिन की सिर्फ एक मील खा सकते हैं, तो मैं चाय और मैगी बनवा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रोटीन की सख्त जरूरत है। मैंने सोचा बुड्ढे की जमीन बेच के फॉरेन ट्रिप भी कर ही आते हैं, तो मैं थाईलैंड घूमने के लिए निकल गया। बीचेस घूमा, पहाड़ देखे और क्लब में छिनाला भी किया। फिर मैंने सोचा बुड्ढे के बचे कुचे पैसों से लेह लद्दाख भी घूमा हूँ। क्रिएटिव था। अच्छा, बोला हेटर को तो दिखाओ एक बार कैसे खड़ा है भाई। अच्छा, तो कुछ बोलना नहीं है तुम्हें उसको? नहीं, ऐसे ही तो लड़के हैं, जब कोई लड़की इंटरनेट पे कुछ करना चाहती है उसको करने नहीं देते। नहीं, उसने मुझे रोका तो नहीं कुछ करने से, बस। हाँ, कोई बात नहीं, उसका पर्सपेक्टिव है, फनी बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, फनी था। नहीं, कोशिश तक सही है, फनी नहीं था। That's not funny. Next, please. मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थी। मैं 4 साल से सिंगल हूँ, मैं 4 साल से किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। डेटिंग फेजेस आए हैं, डेट किया है मैंने। डेटिंग एंड रिलेशनशिप दोनों बहुत ही अलग चीज है। ठीक है, तो इस पे मुझे सुनना था, मतलब मैंने जैसे ये वीडियो देखी ना, हमने क्लिप कर ली कि काफी लोगों ने मुझे बोला था इसके लिए। मतलब रिलेशनशिप और डेटिंग कैसे अलग है? क्योंकि रिलेशनशिप में आप कमिटेड हो जाते हो। ओके, डेटिंग फेज में आप कमिटेड नहीं होते हो। ऐसा नहीं है कि फिर आप बाहर मुंह मार रहे हो या और दूसरों को देख रहे हो, बट आप कमिटेड नहीं हो। रिलेशनशिप आता है कमिटमेंट के साथ, ठीक है? कभी रही हो गए तो पता ही होगा, ठीक है ना? बहुत सारे आप उसको फोन दोगे, अपनी हर चीज मतलब दिखाओगे, मतलब जैसे वो डिमांड करेगा। हाँ, जैसे वो डिमांड करेगा वैसे आप दोगे ना, बट डेटिंग फेज में ऐसा नहीं आता। अगर सपोज तुम हमें डेट कर रहे हैं, तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम मुझे बोलोगे अपना फोन दिखाओ, चाटे मार दूंगी। हाँ, अगर रिलेशनशिप दिखा देती है मुझे तो लड़कियां, मेरी बेल्ट 2 टंगी हुई है वहां अंदर में गेट के पीछे। अच्छा, उसे देखकर। ओके,
बट या अगर रिलेशनशिप में होते हैं तो फिर आपको देना पड़ता है आपका पार्टनर जो डिमांड करता है, तो फॉर दैट आई वाज सेइंग कि मतलब डेटिंग में डिमांड भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हो तुम किसी लड़की को जान रहे हो उससे तुम बोलोगे तो मेरे को फोन दे दे, छोड़ के नहीं चली जाएगी तुम्हें। तो तुम्हारे हिसाब से मतलब डेटिंग पीरियड कितने टाइम का रहना चाहिए? यार जब तक आप उस इंसान को जान ना लो अच्छे से। मतलब ऐसे ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है जानने में किसी को? मैंने तो एक साल भी डेट करा है। लेकिन उस एक साल में आपके पास फ्रीडम रहती है, अगर आपको कोई और पसंद है आप उसको डेट कर सकते हो? यार इट्स अप टू यू, वैसे फ्रीडम आपको डिपेंड करता है कि आप किस टाइप पे हो, ठीक है? अगर आपको कोई पसंद आता है तो बोल दो उसको, मेरा ये मानना है, बट मैं उस चीज़ को नहीं करती। अगर आई एम डेटिंग समवन तो फिर उस प्रॉपर उसी को डेट कर रही हूँ, रिलेशनशिप फिर उसी के साथ। बट फिर उसमें आपको पता चल जाता है ना कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है, वो किसी इंसान को आप जान लोगे तो कितना टाइम लगता है। जैसे डेट चल रही है हाँ। और उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है हाँ। तो उस दिन कुछ ऑफिशियल पार्टी वार्टी कुछ रखते हैं? नहीं। तो ऐसे कैसे पता चलता है आज से रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया? अच्छा रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हो गया, जब आपको पता चल जाता है कि वो इंसान आपके लाइक बराबर है, लाइक इन द सेंस कि जैसे आप सोचते हो वो वैसा सोचता है, कंपैटिबल है बहुत चीज़ों में, हर चीज़ में कंपैटिबल, एक चीज़ में नहीं होती, हर चीज़ों में। उसके बाद फिर आप डिस्कस करते हैं, मतलब ये एक पूरा फुल्ली फ्लेज्ड कोर्स है ये। यस ठीक है, लॉन्च करो इसकी किताब, लॉन्च करो सून। नहीं मैं तो 5 मिनट बात करते रिलेशनशिप में आ जाता हूं। ओह गॉड, मैं अनाउंसमेंट एकदम कर देता हूं। मैंने कहा यस ठीक है, तो अनाउंसमेंट कब सुन रहे हैं हम लोग? बहुत जल्दी, अब तो मैं सीधा बच्चे करूंगा। ठीक है, मेरी उम्र हो गई यार। नेक्स्ट, पोस्ट करना इसका कैप्शन है आई मिस यू बेस्टी। मैं ये पूछना चाहता था ऐसे बेस्टी कहाँ मिलते हैं, मतलब मेरे बेस्टीज हैं ये हर्ष डागा, ये सब मैं कर सकता हूँ इनके साथ यही सब? यार लड़के लड़के तो आपस में कितना चिपकते हैं, लड़के चिपकते हैं, क्यों नहीं चिपकते लड़के लड़के। मैं कल पार्टी गई थी, वो आपस में ऐसे इतना गंदा डांस कर रहे थे, मैं दूर से बैठ के हंस रही थी। चिपकते हैं लड़के, ऐसा कुछ नहीं है, हमें ज्यादा वो दिखाया जाता है लड़का लड़की, बट लड़के लड़के कितनी आपस में हरकतें करते हैं। नहीं मैं बहुत कुछ ऐसा देख चुका हूं, वीडियो में प्ले नहीं कर सकता। ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार। तो हाँ, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज लाइक माय सोलमेट। सोलमेट, अब सोलमेट भी अलग है, हमारी डेफिनेशन ही थोड़ी अलग है। सोलमेट होता है जैसे आप हर चीज़ में आपकी बनती हो, आप कुछ भी कर रहे हो हर चीज़ में सेम हो आप, बिल्कुल सेम, उन्हें सोलमेट कहते हैं। बिल्कुल ट्विन्स नहीं कहते उनको? ट्विन्स नहीं, सोलमेट। ट्विन्स जो साथ में पैदा होते हैं। मैं कह रहा था तुम अपनी किताब लॉन्च करो, अंकुर वारिको को तुम पीछे छोड़ दोगी। ये श्वेता गंगवार हूँ। ये सब डाला करो ना यार, YouTube पे बहुत चलेगा ये। ठीक है, थैंक यू, हमारी पूरी जनरेशन सुधर जाएगी। ओके डन। और मेरे को ऐसा बेस्टी दिलवाओ यार कोई। मैं साहिल का बेस्टी बन जाऊं, मेरे साथ कर लेगा ऐसे? वो क्यों करेगा तुम्हारे साथ? अरे मेरे को उसमें स्कोप दिख रहा है अपने बेस्टी का। तुम्हें तुम लड़कों के साथ बहुत कुछ करते होगे, ज्यादा अपना फोन दिखाओ, वीडियो दिखाओ अपने फ्रेंड्स की, चिपक के लेटे रहते हैं लड़के, क्या हरकतें नहीं करते हैं, सब करते हैं लड़के। देख लो मस्ती मजाक में, कई बार मस्ती मजाक में बच्चे हो जाते हैं ऐसे ही। नहीं 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 ऐसा नहीं है, इनके साथ मैं करूंगा ट्राई मजे वाला मस्ती मजाक ना, हर्ष के साथ यहाँ पे जाके गार्डन के लिए, क्योंकि हम दुबई तो जा नहीं सकते, बट एक यहाँ पे एडवेंचर आइलैंड में आईफिल टावर है छोटे वाला। अच्छा, उसके सामने मैं यही करूंगा। ठीक है डन। चलो नेक्स्ट। निबीज भी लाइक मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे वैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए। बहन ये तेरी एज नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने की, तेरी एज है, तेरी एज है घर पे किचन का काम सीखने की। वाह। ये सच में फनी था यार, जब हमने पहली बार देखा था ना। कभी दी ऐसे तुमने किसी को एडवाइस की जा किचन में काम कर? नहीं, किचन में काम करने की एडवाइस नहीं दी है। मैं तो बोल देता हूँ लड़के को जो गाड़ी वाड़ी उल्टी सीधी चलाती है ना, मैंने कहा जा तू किचन किचन चला। नहीं मैंने किचन में क्यों वैसे काम, तो किचन किसको संभालना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, किचन कोई भी संभाल सकता है, लड़का संभाल सकता है, लड़की संभाल सकती है, अप टू दैट पर्सन। चौधरी साहब थोड़ी संभाल लेंगे, तुम संभाल नहीं सकते। हाँ तो फिर तुम ऐसी ढूंढना जो संभाल सकती हो। नहीं लेकिन तुम क्या आता है खाना बनाना? दो नहीं, अगर तुम्हें रेस्ट्रिक्ट ही कर दिया जाए किचन में ही रहना है, मतलब घर संभाल लो बढ़िया तरीके से, खूब पैसा वैसा। आई डोंट माइंड, अगर वो खूब अमीर होगा तो वो सब लाके देगा मुझे, डेली शॉपिंग कराएगा, तो आई डोंट माइंड। क्रश माय स्कल विद दोस थाइज मॉमी। अरे ये बहुत वायरल हुआ था, ये तो बहुत वायरल हुआ था। यस
मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा मम्मी क्रश मी मम्मी, ऐसे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं लाइक मेरे इंस्टाग्राम पे हो गए, चाहे मेरे स्नैपचैट पे हो गए, डीएम, शायद वो बच्चे अनाथ होंगे उन्हें मम्मी दिख रही होगी तुम्हें पता बड़े बहुत आता है मुझे तो, मतलब क्या होता है मम्मी, मुझे सच में नहीं पता है मम्मी वाला मम्मी क्या होता है ये, अभी तुम स्कूल जाओ नहीं मुझे तो यही सिखाया गया था कि अनाथ बच्चे मम्मी मम्मी करते हैं तो बन जाना चाहिए उनकी मम्मी, अब ये तो ये लोग ही बताएंगे ना, ये लोग मुझे मम्मी बोल रहे हैं, दिस लुक्स सुपर कूल, ये व्हाट द फक आर यू डूइंग, ये क्या था, ये क्लिप कहां से उठाई तुम लोगों ने भाई, ये तो मुझे याद भी नहीं है, अगर इस वीडियो पे 10,000 कमेंट हो गए ना मैं ये रिक्रिएट करूंगा, ये तुम्हें ब्रा भी चाहिए फिर तो ले लूंगा मैं, एक तो ले लूंगा जाके खरीद, दे दें लड़कों को दे देंगे, ऐसे क्या ही दिक्कत है, लड़के करते होंगे गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए परचेज, ओ माय गॉड जिस लॉन्ड्री शॉप पे मैं जाती हूँ ना, मैंने कितने लड़कों को देखा है वहाँ पे अकेले घूमते हुए, क्या पता वो किसके लिए ले रहे हैं, लड़कों का कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, खूब शॉपिंग कर रहे होते हैं, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम्हें नेक्स्ट टाइम चैलेंज देंगे, मे बी वी ट्रीटेड हर टू हार्श, बुरा लग रहा है उसको, साइक साइक, मैं सच में ऐसी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए फर्क पड़ता है, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता, कितनी देर, जब मैं देखती हूँ तो हार्डली हाफ एन आवर थोड़ी ओवर थिंकिंग करने के बाद, बट वैसे फर्क नहीं पड़ता, लाइक आई एम स्लेइंग, गाइज भी लाइक लड़कियों को बहुत टाइम लगता है रेडी होने में, लड़कियां मेकअप करने में बहुत टाइम लगाती है, तुझे पट्टी करने में 40 मिनट क्यों लगते हैं भाई, हाँ राहुल ऐसा क्या करता है तू 40 मिनट टॉयलेट में, मीनवाइल किसी ने शायद तुम्हें स्नैपचैट पे भेजा था है ना, ये स्टोरी वगैरह का रिप्लाई होता है, स्टोरी रिप्लाई, ओके, यू आर लिटरली योर इंडियन सेलेना गोज, यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड सो चेयरफुल एट द सेम टाइम, अच्छा तुम्हें इंडियन सेलेना बोलते हैं, अरे यार उनको बहुत कॉमन है बोलते हैं, मुझे नहीं बिलीव है, लोग बहुत कौन बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, भेजो उन्हें यहां, ठीक है डन, एक बीमारी होती है मोतियाबिंद, वो मैंने कभी सुना नहीं है, डियर मिस रूही राय, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड विद अस, योर कंटेंट एंड वीडियोस आर अमेजिंग, इट इज फन वॉचिंग यू, ये कोई प्रैंक कर रहा है तुम्हारे साथ पक्का वहां तक ठीक था जहां तक ये कंटेंट की बात की इसने, नहीं सर दो तीन कैबिन क्रू आई थी मेरे पास और उन्होंने मुझे दिया था, दे गिव मी सम स्नैक्स एंड ऑल आल्सो, फ्री में हाँ और अगर ऐसे करती कि वो तुम्हें ऐसे ये सब दे के स्नैक्स दिए उन्होंने और बाद में बिल ले आती उसका खाने के बाद, मैं दे देती बट ये निकलते टाइम की बात है, कोई तुम्हारा कट्टर ऑब्सेस्ड फैन है तो तुम बता तो रही हो, तुम्हें ज्यादातर यही डिमांड्स आती है, हाँ पता नहीं क्यों, मे बी आई हैव गुड थाइस, सर बड़े होंगे उनके या हेलमेट नहीं होगा उनके पास, मे बी दैट्स इट, बढ़िया लगा, कौन सा मीम सबसे अच्छा लगा तुम्हें, मुझे सबसे बेटर वो एक वॉशरूम वाला, बॉयज वाला, हाँ, वो बहुत अच्छा कूल था, चलो जिसका भी था भाई, मेरे को बहुत सारे मीमर्स का क्रेडिट नहीं मिला तो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोगों ने इकट्ठे करके दिए थे तो जिसका भी था बहुत बढ़िया यार, तुमने मेरे... मेहनत करी बाय द वे, ऐसे ही करता हूँ यार मैं, अपने काम के प्रति हूँ बहुत डेडिकेटेड, तभी तो कह रहा हूँ, व्हाट अबाउट गर्ल्स, नो गर्ल्स ओनली बॉयज, ओके किस में मिले हम इसको लड़कों, सॉरी यार वो नोटा पॉडकास्ट के सेट पे ना गेस्ट के सामने एंड करते हुए थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पेमेंट सिर्फ वीडियो शूट करने की रहती है, उसका आउट्रो करने के लिए नहीं, तो अगर तुमने अभी तक भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया मेरे को फॉलो कर लेना, क्यों, क्योंकि तुम्हें वहां पे जाके तो बताना है कि हम नेक्स्ट गेस्ट किसको बुलाएं, और मे बी हम सोच रहे हैं कि दो दो तीन तीन लोगों को भी एक साथ बुला सकते हैं, तो तुम मुझे सजेस्ट कर देना, और अगर अब तक भी तुमने हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, रूही राय आई थी वो लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स पे एक हफ्ता पहले पता चल गया था, तो इसीलिए लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स फॉलो करो जिससे पहले ही पता चल जाए तुम्हें सब कुछ, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐसे ही चैनल का लोगो भी आ चुका होगा यहीं कहीं, तो कर लेना उसको सब्सक्राइब।